अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पेंट वर्क के बारे में। आज हम BOQ बनाएंगे। ओके, यहाँ पे ChatGPT को हमने जो है कमांड दे दिए हैं। ओके, हाउ टू प्रिपेयर BOQ फॉर 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट के लिए कितना BOQ बनाने का है पेंटिंग वर्क के लिए, तो इसे उसके लिए क्या क्या चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ पे बता रहा है BOQ पेंटिंग वर्क के लिए 100 स्क्वायर फीट के लिए हमें क्या क्या लगता है। मेट्रिक यूनिट के अंदर है लिया उसने, मीन्स हमें जो है मीटर स्क्वायर में मिलेगा पूरा। सब में पहले है सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन के अंदर आता है डिस्क्रिप्शन, उसका पर्पस, उसका यूनिट कन्वर्जन, क्वांटिटी। अब उसका डिस्क्रिप्शन, सरफेस प्रिपरेशन में क्या क्या आएगा, इसके अंदर रहेगा इन्वॉल्व, क्लीनिंग, स्क्रैपिंग एंड सेंडिंग द सरफेस टू रिमूव ओल्ड पेंट, डस्ट एंड इरेगुलरिटीज। मीन्स जितने भी पेंट के ऊपर इरेगुलरिटीज, डस्ट या कुछ भी रहे, पूरा क्लीनिंग करके लेना है हमें सरफेस प्रिपरेशन के अंदर। ओके, फिर उसके बाद उसका पर्पस क्या रहेगा, इंश्योर अ स्मूथ एंड क्लीन सरफेस और बेटर पेंट एडेशन। मीन्स यहाँ पे पेंट प्रॉपर तरीके से बैठ जाए अपने वॉल के ऊपर, तो प्रॉपर एडेशन होना, इसलिए क्लीन सरफेस हो और स्मूथ सरफेस हो, ये हमें इंश्योर करके लेना पड़ता है। फिर हमें जो है पूरा यूनिट, अभी हमने कंसिडर करा है 100 स्क्वायर फीट, 10 बाय 10 का एक रूम है, उसके लिए कितना अपने को क्वांटिटी लगेंगी। ओके, उसका क्वांटिटी। उसके बाद आएंगे प्राइमरी कोट, उसका जो है पहले प्राइमरी कोट आएगा। अब कोई एक कोट करता है, कोई दो कोट करता है, हम जो भी है आपको एक कोट करिए या दो कोट करिए, इसमें दोनों में फ़ायदा है। तो हम पहले कोट का देखते हैं डिस्क्रिप्शन। अ बेस कोट अप्लाइड टू सील द सरफेस एंड प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म बेस फॉर पेंट। मतलब ये जो कोटिंग है पूरे जो सरफेस है, जो मीन्स जो वॉल हमारी ब्रिक की बनी हुई रहती है या फिर जो भी मटेरियल से बनाते हैं, तो उसमें पोर्स या फिर कोई चीज़ बची नहीं रहती, उससे हम पहले कोटिंग करते हैं तो उसकी जो अच्छी तरह सीलिंग हो जाती है और वहाँ पे जो है एकदम यूनिफॉर्म बेस बन जाता है। ओके, पर्पस इसका क्या है, इम्प्रूव पेंट एडेजन एंड ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है अपने पेंट की और उसका एडेजन भी बढ़ जाता है प्राइमरी कोट करे बाद। फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी रहती है, जो भी वॉल का एरिया रहेगा उतनी क्वांटिटी रहेंगी। उसके बाद रहेगा पुट्टी एडेशन। ओके, पुट्टी पट्टी जो भी बोलते हैं इसे। इसका फर्स्ट कोट वापस से, इसका डिस्क्रिप्शन, अ सिंगल कोट ऑफ पुट्टी अप्लाइड टू फील द माइनर क्रैक होल्स एंड इनपरफेक्शन। मीन्स जो माइनर क्रैक्स आ गए हैं या होल्स है या फिर इनपरफेक्शन है, वॉल जो है एकदम थोड़ी सी मीन्स उसके अंदर अनइवननेस है, तो वो अनइवननेस को फिल करने के लिए वापस से एक कोटिंग करी जाती है, पुट्टी कोटिंग, पुट्टी एप्लीकेशन वापस से। ओके, इसका पर्पस क्या है, क्रिएट अ स्मूथ इवन सरफेस फॉर पेंटिंग। फिर वापस से अप्लाई करते हैं सेकंड कोट। सेकंड कोट करने के लिए डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा रहेगा कि टू कोट ऑफ पुट्टी अप्लाइड फॉर बेटर सरफेस लेवलिंग, पर्टिकुलरली ऑन रफ और अनइवन सरफेस। बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है तो उसके लिए डबल पुट्टी करी जाती है। आपका एकदम पहले से वॉल एकदम लेवलिंग है तो आपको सिंगल कोट में आपका हो जाएगा, लेकिन आपका जो वॉल है एकदम प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर तरीके से बनी भी नहीं है, तो आप डबल कोट करिए उसके अंदर। ओके, फिर दूसरा पांचवा पॉइंट हमारा पेंट, पेंट इमल्शन। इमल्शन अपने टू कोट से डिस्क्रिप्शन, टू कोट ऑफ इमल्शन पेंट अप्लाई टू अचीव द डिजायर कलर एंड फिनिश। ओके, दो पेंट कोट इसलिए मारते हैं कि एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से हमें कलर और उसका एडिशन भी एकदम अच्छे से हो जाए, अचीव हो जाए, तो इसलिए करते हैं। पर्पस इसका इसलिए प्रोवाइड इवन ड्यूरेबल फिनिश दैट इजी टू क्लीन, फिनिशिंग एंड टचअप। इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा रहेगा कि फाइनल टचअप एंड फिनिशिंग टू इंश्योर दैट ऑल एरिया आर इवनली कवर
एंड दैट द ओरल अपेरेंस इज परफेक्ट. पर्पस इसका ऐसा रहेगा एड्रेस एनी माइनर इम्परफेक्शन और मिस स्पॉट. मतलब हमारा कुछ वॉल के अंदर मिस स्पॉट रह गया या माइनर इम्परफेक्शन आ गए हैं तो उसे हम फाइनल टचअप दे देंगे. ओके, फिनिशिंग एंड टचअप के लिए रहता. एडिशनल डिटेल में इसका रहेगा इसका जैसा रेट कैलकुलेशन. रेट जो है आपके तरफ जितना रेट चल रहा है उसके हिसाब से लेना पड़ेगा आपको. द रेट फॉर ईच आइटम शुड बी इंक्लूड लेबर मटेरियल एंड एनी अदर एसोसिएटेड कॉस्ट. मटेरियल क्वालिटी स्पेसिफिक ब्रांड एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल. प्राइमरी पुट्टी पेंट ये जो है इनका अलग अलग ब्रांड रहते हैं. अलग अलग मतलब मटेरियल अलग है, ब्रांड्स अलग है और उसका रेट्स अलग है. तो आपको मटेरियल क्वालिटी भी आपको आपके मार्केट से लेना पड़ेंगे. रेट कैलकुलेशन भी आपको लेबर के हिसाब से लेना पड़ेगा. आपके तरफ लेबर चार्जेस कितना चल रहा है. वर्कमैनशिप डिटेल द एक्सपीरियंस लेवल ऑफ लेबर फोर्स एंड एनी वारंटी प्रोवाइडेड फॉर वर्क. टाइम फ्रेम इंडिकेट द एस्टिमेट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट द पेंटिंग जॉब इंक्लूडिंग ड्राइंग टाइम बिटवीन कोट. तो टाइम फ्रेम भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है. ये चार चीज़ें जो है इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसा आपके पूरा एस्टिमेट के लिए. ओके, यहाँ पे हमने एरियाज यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, रेट इंक्लूड नहीं किए हैं. अरे